गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर 5 चल रहा है घटाना। और देखिए इसमें अब हम पेज नंबर 27 कर रहे थे। इसमें हमने प्रश्न 4 तक कल कर लिए थे और आज हम प्रश्न 5 से स्टार्ट करेंगे। एक फैक्ट्री में 585 कर्मचारी काम करते हैं, इनमें से 173 कर्मचारी वरिष्ठ हैं और फैक्ट्री में कितने कनिष्ठ कर्मचारी काम करते हैं। एक फैक्ट्री का बता दिया आपको, कर्मचारी कुल कर्मचारी कितने हैं 585 और वरिष्ठ कर्मचारी कितने हैं 173। तो क्या 585 में से 173 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कनिष्ठ कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए अब हम करते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या करना है, कुल कर्मचारी कितने हैं 585 और वरिष्ठ कर्मचारी कितने हैं 173। तो आपको अभी क्या बताना है, आपको कनिष्ठ कर्मचारी कितने होंगे। तो क्या करेंगे, कुल कर्मचारी में से वरिष्ठ कर्मचारी को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कनिष्ठ कर्मचारी। तो 5 में से 3 घटाया तो 2 बचे, 8 में से 7 घटाया 1, 5 में से 1 घटाया तो 4, यानी 412 होंगे कनिष्ठ कर्मचारी। फिर प्रश्न 6 में आपको क्या करना है, मनीष के पास 637 गिलास थे, उसने 325 गिलास बेच दिए, अब उसके पास कितने गिलास शेष बचे। तो कुल गिलास कितने हैं और फिर गिलास बेच दिए 637, तो कुल गिलास है और गिलास बेच दिए, गिलास बेच दिए कितने थे बेचे हुए 325। तो शेष गिलास कितने बचे, तो क्या लिखेंगे, शेष गिलास हैं कितने हैं, तो क्या करेंगे, कुल गिलास में से बेचे हुए गिलास को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, शेष गिलास। तो 7 में से 5 घटाए तो 2 बचे, 3 में से 2 घटाए तो 1 और 6 में से 3 घटाया तो 3, यानी 312 गिलास शेष बचे। अब देखिए प्रश्न 7 इसमें आपसे कहा जा रहा है, एक गांव की जनसंख्या 956 है, उनमें से स्त्रियों की संख्या 315 है, तो गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो गांव की जनसंख्या कितनी है 956, स्त्रियों की संख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या 315। तो आपसे पूछा जा रहा है पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तो पुरुषों की संख्या क्या होगा, इसमें से घटा देंगे, 6 में से 5 घटाया तो 1 बचा, 5 में से 1 घटाया 4 और 9 में से 3 घटाया तो 6, यानी पुरुषों की संख्या कितनी हुई 641। अब देखिए प्रश्न 8 है, एक शोरूम में 633 साइकिलें थी, उनमें से 222 साइकिलें बेच दी गईं, अब शोरूम में कितनी साइकिलें शेष हैं। तो देखिए कुल साइकिलें 633 और साइकिलें बेची गईं 222,
तो शेष साइकिल होंगी, कितनी होंगी शेष साइकिलें, तो क्या करना है घटाना है। तीन में से दो घटाया एक, तीन में से दो घटाया एक, छह में से दो घटाया तो चार। तो इस तरह से आपका ये पेज नंबर 27 कंप्लीट हो गया है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है रिपीट CW इन नोटबुक, आपको ये नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।